मुझे भाजपा को जिताना है, भाजपा को वोट, भाजपा को जिता, भाजपा को जिताऊंगा, बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। मायावती जब कुछ कर रहा हूँ तो मैं बताऊँ तुमसे, आज मायावती के नाम पे बड़ा गुस्सा हो रहा है, गुस्सा मुझे बहुत गुस्सा भाई। मायावती ने कुछ अब खेल के आ रही है, कुछ नहीं है। तो अखिलेश जी ने कुछ किया होगा ना? अखिलेश गठबंधन से लड़ रहा, राहुल गठबंधन से लड़ रहा। मैं खुल कर कह रहा हूँ ना कुछ दिया हो तो बताओ, जाटवों के लिए वोट, जाटवों ने सब पहले जीता का हरा दिए, उन्होंने वोट दिए। ऐसी सरकार भाजपा वाली जैसी सरकार ने लगे जिंदगी में सब कुछ दिया। अखिलेश को नहीं जिताओगे? अखिलेश को ना जिताने का, मायावती को नहीं जिताएगा, भाजपा को जिताऊंगा जिंदगी में, भाजपा को वोट डालूंगा भाई। अखिलेश और मायावती के नाम से बड़े गुस्सा हो रहे ना, राहुल से भी हूँ और कदरी जो बड़ा ना क्या नाम है दिल्ली का, उससे भी परेशान, केजरीवाल से भी, केजरीवाल के लोग दिल्ली का मालिक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, हमारा कोई चांस नहीं है। हमारे क्षेत्र में कुछ कराती तो हम बताते, केजरीवाल से हमारा कोई मतलब नहीं है, तुम किस बोरे को तुम। अच्छा, तो योगी बाबा से मतलब है? योगी बाबा से मतलब है, खाने के ताई बच्चों को हर राशन पहुँच रहा है, खेती में किसानों के ताई 2000 रुपये महीने के पहुँच रहे, तो हमें क्या चाहिए बता, कौन से नेता ने दिया? किसी ने नहीं दिया। ऐसा नहीं था, कौन सा बताओ किसने दिया? मायावती आ जाए, अखिलेश आ जा, और कोई कोई सा वो क्या, अखिलेश और राहुल आ जा, बताओ कौन सा, किसी ने नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ। योगी मोदी ने दिया है? योगी मोदी ने दिया, सड़कें योगी मोदी ने लड़वाई है, रोडें सारे पुल रोड सारी इन्होंने दिए। चलिए ये देखिएगा, लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे, एक महिला भी इनसे बातचीत कर रहे थे। क्या नाम हो गया जी? कैसे बेटा, नाम क्या हो गया? नाम आपका? नाम 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 मेरा नाम मालू है। अच्छा, किसको जिताना चाहते हैं? एक तो राहुल जी को ताई। अरे राहुल जी हैं, अखिलेश जी हैं, उन्हें भी तो जिताइए। नहीं ना भैया, हम तो योगी मोदी को जिताएंगे। मैं खाने को दो है। क्या दे दिया योगी मोदी ने? 2000 रुपया दे रहे हैं। अच्छा, और विधवा पेंशन दे रहे हैं। पेंशन मिल रही है? हैं, पेंशन मिल रही है? हाँ मिल रही है। खाने को मिल रहा है? खाने को मिल रहा है हमें। इसके अलावा इंसान है हमारे, तो खाने को मिल रहा है हमें, बताई तो सही है। योगी मोदी चाहिए हमें योगी मोदी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। क्यों आप हमें सब जंगलों में पड़े हैं, हमें कोई डर नहीं है किसी बात का। अखिलेश क्यों नहीं बढ़िया लगते हैं भाई? हमें नहीं लगता कोई भी अच्छा, हमें तो योगी मोदी खाने को दे रहे हैं। अच्छा, नो लगते हैं हमें खाने। अखिलेश जी भी तो देते होंगे ना उनके टाइम में खाने को? नहीं, हमें योगी मोदी देते हैं बढ़िया खाने के टाइम। अखिलेश ने फ्री दे रहे हैं हमारे ताई, योगी मोदी फ्री मिल रहा है? हाँ फ्री मिल रहा है हमारे ताई। अखिलेश ने नहीं दिया हमें ना, था किसी ने भी, हमें तो योगी मोदी चाहिए, योगी मोदी ने हमें खाने के ताई दिया है। अच्छा, हाँ ऐसी सरकार हमें चाहिए, ऐसी सरकार। हाँ यही सरकार चाहिए, योगी मोदी वाली। अच्छा, बड़े खुश हैं बीजेपी से? हाँ हम तो बहुत खुश हैं बीजेपी से। अखिलेश से क्यों क्यों नाराज हैं फिर? हम नाराज किसी से नहीं है, हमें सरकार यही चाहिए, हमें बढ़िया सरकार चाहिए। हम नंगे हैं, उभारे हैं, धीए हैं, बेटी हैं, हम सारे दुनिया जंगलों में पड़े हैं। हम कहते रहेंगे हमें कोई टच नहीं करता इस सरकार में, हमें योगी मोदी ही चाहिए। हमें पहले की सरकार में परेशानियां थी महिलाओं को, हमें सरकार में ही चाह नहीं, फिर इस सरकार कैसी, हमें सरकार ना मिली हमें कहीं भी, इस सरकार जैसी नहीं मिली हमें, ना मिली कोई सरकार जी जैसी। अच्छा, ये बढ़िया सरकार मिली है हमें, ये बढ़िया। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र? हाँ। सुरेंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम पालनी का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो बीजेपी का बढ़िया लग रहा है यहाँ? मेरे को तो बढ़िया लग रहा है। अरे दानिश जी भी तो है, उनका भी तो टिकट हुआ है, आपके यहाँ सांसद रहे हैं। जानते नहीं हम नहीं जानते, हम इनको जानते नहीं है, उन्हें दानिश जी को नहीं जानते। नहीं जानते ना? आपके यहाँ के सांसद रहे हैं पहले? हाँ, हमारा कोई मतलब ही नहीं पड़ा। मतलब ही नहीं है? नहीं हमारा कोई मतलब नहीं, हम हमारा तो बीजेपी से, इनसे ही मतलब है। बीजेपी से मतलब है आपको? हाँ। तो क्या मतलब है ये तो बता दीजिए, क्या दे दिया बीजेपी ने आपको? ईमानदारी। हाँ। सारे काम बढ़िया है, सारे काम बढ़िया है। हाँ। सारे काम बढ़िया। अच्छा, आपका क्या नाम हो गया जी? ओमपाल। ओमपाल जी कहाँ के रहने वाले? पाल्ली। अच्छा, इकट्ठे हैं सारे के सारे? हाँ। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? सही चल रहा साहब, हम रहे तो सही चल रहा है। हाँ, बढ़िया। किनका चल रहा है? फूल का ही चल रहा है। हाँ। साइकिल का नहीं चल रहा है क्या? ना फूल का ही है। अरे साइकिल का भी चला लीजिए, आप ही के मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ वो तो खैर ठीक है, चलो सही है। तो नहीं चलाएंगे? चला क्यों ना, जब काम करेंगे वैसे करेंगे। तो साइकिल का नहीं चलाएंगे? ना फूल का ही हो। फूल का ही है? हाँ। अच्छा, ये तो फूल का बता रहे। आपका क्या नाम हो गया जी? सतवीर सिंह। सतवीर जी आप भी इनके साथ ही हैं? हाँ। तो क्या माहौल है चुनाव को लेकर? बहुत बढ़िया। अच्छा, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ।
किसका है यही तो पूछ रहे हैं। यही है मतलब फूल का ही नंबर है जी हमारे यहाँ तो, बिल्कुल योगी मोदी का। हाँ हाँ योगी मोदी का। तो राहुल जी से अखिलेश जी से क्या नाराजगी है? नाराजी भी है, नाराजी कुछ ना, सबके सब मतलब सब सही हैं अपनी अपनी जगह पे, सब सही अपनी जगह। बाकी जो स्टैम है मौके पे और जो चली आ रही है योजना सबसे बढ़िया चल रही है, ये योजना भी चल रही है सरकार में। और इससे बढ़िया बताओ मार काट कुछ नहीं है, आदमी कहीं भी सो रहा कहीं पड़ा जंगल में मैदान में कहीं भी, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बिल्कुल भी कोई परेशानी वाली बात नहीं, कुछ नहीं बिल्कुल भी। तो पहले क्या था फिर जो आज बता रहे हैं कि परेशानी वाली बात नहीं? पहले भी यही पहले हाँ ही चोरी चकारी ही पहले चोरी चकारी भी होती थी पहले से उसमें सरकार पहले की सरकार में। हाँ जी अच्छा। और अब कोई जब जब से ये बने हैं प्रधानमंत्री जब से कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है ना कहीं भी। महंगाई भी तो है ये तो बता दीजिए, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई। महंगाई तो जैसे इनके मतलब खरीदारी चली तो वैसी महंगाई भी बढ़ेगी भाई, खरीदारी भी तो इनकी चल रही है ना महंगी। हाँ। तो ये अपना भी तो महंगाई देंगे फिर। अच्छा है बताओ तो काम क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। हाँ। किसान परेशान है बीजेपी सरकार में? हम तो परेशान ना है। फिर आप देखिएगा किसान दोबारा से आंदोलन के लिए तैयार हैं, राकेश टिकैत जी भी किसान नेता है वो भी कह रहे हैं। हाँ। और आप कह रहे हैं हम तो परेशान ही नहीं है। काय के परेशान है बताओ, आराम से जंगल में रहते हैं दिन भर कमावे खेत में सोवे हैं, मतलब काय के परेशान है फिर हम? जो आंदोलन के लिए जाते हैं आंदोलन करते हैं वो कौन है फिर? वो भी तो किसान ही है। वो भी किसान ही है। हाँ। भाई अपना वो व्यापार बढ़ाते करते हैं काम को कुछ। अच्छा तो वो भी किसान है आप भी किसान है लेकिन आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। बीजेपी सरकार में क्या नाम होगा बाबा? प्रेम सिंह चौहान। प्रेम सिंह चौहान जी क्या माहौल है चुनाव को लेकर? यहाँ तो बल्ले बल्ले है बीजेपी की। बल्ले बल्ले है बीजेपी की? बल्ले बल्ले है। तो बाकी पार्टियों का क्या है? पार्टियों जमानत भी बच जाती तो अभी शुक्र है। अच्छा हाँ शुक्र है यहाँ जमानत भी बच जाए। जमानत भी बच जाए सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। दानिश अली जी आपके यहाँ से? दानिश अली पहले है, कोई देखा किसी ने? देखा नहीं है। आया ही नहीं, यहाँ देखेंगे क्या उसे? आया नहीं है ना। अरे बाबा कहते हैं पूरा एरिया के अंदर विकास करवाया, सड़कें बनी हैं, गलियां बनी हैं, पूरा विकास हुआ आपके यहाँ? कहीं दिखा दो बता दो उसका, कहीं बोर्ड ही लगा हुआ बता दियो मुझे। बोर्ड भी नहीं बता रहे हैं आप तो? हाँ बता दीजिए, विकास करता तो बोर्ड तो मिलता लगा हुआ कहीं। हाँ हाँ बिल्कुल है? सच कह रहे हैं? झूठ से हमें क्या फायदा भाई? नहीं वो तो कहते हैं ना विकास तो हुआ है। नहीं नहीं अरे जितना विकास इसमें हुआ भाजपा सरकार में इसमें किसी में हुआ? अच्छा बीजेपी सरकार में विकास हुआ मान रहे हैं? पूरा कौन सा पॉइंट ना है? गुंडागर्दी खत्म, देखा तुमने अभी मिट्टी में मिल गया वो माफिया, जिसने माफिया मिट्टी में मिल गया ना, मिल मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं? मुख्तार अंसारी की, उनको तो हार्ट अटैक हुआ है ना। अरे वो कार्रवाई किन्ने करी? कार्रवाई किन्ने करी? योगी ने करी ना करी है इन पे? अच्छा है यहाँ देखिए सड़क पर कोई शांति है ना, है कोई बेटियों को छेड़ रहा है? लोग तो नाराज दिखाई देते हैं, बुलडोजर कहते हैं बाबा तो बुलडोजर चला देते हैं। क्यों ना चलेगा जब अवैध संपत्ति पे कब्जा करोगे? अब करके देख ले कोई पार्टी का। भाई भाजपा में भी तो है सरकार, किसी एमपी एमएलए ने कर रखा है, जब इन्होंने कर रखा है इनका संरक्षण, भाई अखिलेश हो मायावती की हो उनमें ही तो पनपे हैं जे, उनमें पनपा गुंडागर्दी चरम सीमा पे, कहीं रिपोर्ट में ना लिखे जा भाई लड़कियां नहीं चल सकें। अच्छा। और अवैधों के कब्जे इतने छीन ले भाई। अच्छा अरे इसी का तो फायदा है और क्या है, इसी की तो मान्यता है सरकार में कोई हमें दे रही है। और जहाँ तुम किसानों की बात कर रहे हो कर रहे हैं धरना, यूपी का है कोई? सब पंजाब के हैं। राकेश टिकैत तो यूपी के ही नेता है। तो कब गए आपका कब गए? कह रहे थे हरियाणा को ही घेरना पड़ेगा देख लग रहा है ना, अलग चीज है जब, लेकिन है सब वो पंजाब के ही। अच्छा। सब पार्टी बाजी वाले। अच्छा सब जो उनसे फंडा है दूसरी तरफ से। तो किसान नहीं मानते आप उन्हें? नहीं नहीं वो किसान है ही ना, किसान तो उसे खेत में से ही फुर्सत ना बेचारे को। किसान को है खेत में से फुर्सत? या किसान पे है ऐसे ऐसे ट्रैक्टर है? सब फोर दर्जी वाले ही है सब पंजाब के। अच्छा पंजाब वाले बता रहे हैं आपके? हाँ, पंजाब से आ रहे हैं। पंजाब से तो आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं वो? अच्छा तो ट्रैक्टर भर भर के यूपी से भी कई बार देखा हमने जाते हुए। पहली बार में थे आपके, नहीं देखे होंगे तुमने? अच्छा हाँ आपके नहीं गए तो आपके क्यों नहीं गए? आपके भी वही थे भैया, आपका कोई मुद्दा थोड़ी है। पहले तो मुद्दा था उसका तीन कानूनों का, चलो जाइया जिन्होंने करवाया हम मानते हैं किसानों के लिए करा सही है, लेकिन आपका कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा बता दो कोई घेरने का हो? अब ऐसे कहा नु जाओ जी करियाओ जी घेलो जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तो बड़े खुश नजर आते हैं अब तो बीजेपी सरकार से? बीजेपी सरकार से मैं ना सभी यहाँ की जनता पूरी यूपी की। अच्छा पूरी यूपी की। और आपके तो देख लेना जो 16
सीट गई ना साथ वो भी ना आपके जाने की। अच्छा हाँ, जयंत के आने से भविष्यवाणी पहले ही कर रहे हैं, बता रहा हूँ जन। अरे गणित था पहले बसपा लोकदल सब एक साथ होकर लड़े हैं ना सपा। जी जी जी। जब ये चौधरी चरण सिंह तंवर सिंह 62,000 से कुल से हारे थे, अब यो 3 लाख तो यहाँ में। अच्छा एस सी है हाँ। जो अलग लड़ रहे हैं। अच्छा एस सी समाज से हैं हाँ। मैं नुकर हूँ 3 लाख एस सी है इसमें, इस लोकसभा लोकसभा में 3 लाख एस सी और इन्हें अलग कर दो तो कितने से जीतेगा। अच्छा। पहले तो इन्हें सबको लड़का 62,000 से हरा कुल, और आपका जो मायावती अलग लड़ रही है हाँ। तो वोट तो अलग जाएगा, प्लस तो नहीं होने का। बिल्कुल आपका 3 लाख से ना जीते तो बता दियो। तो पूरा आंकड़ा लगा लिया आपने फिर? पूरा गणित है हम पे सहरा, पूरा गणित, पूरा आंकड़ा ले रहे हैं पूरा। तो कंवर जी को यहाँ से जिता रहे कंवर सिंह ना, शहरी सीट है। अच्छा मायावती के अलग लड़ने से शहरी सीट आएंगे। अच्छा फिर मिल लियो चाहे मुझसे। तो दानिश अली जी भी तो हैं। अरे दानिश अली कब वो जीत का, मैं ना कर रहा हूँ सपा बसपा लोकदल सब सब है साथ जे। अच्छा। जब जीता अच्छा 62,000 से जब जीता हाँ, मामला यहाँ पे है हाँ। ये जिता रहे हैं बीजेपी को। अच्छा आपका क्या नाम हो गया? नरोत्तम सिंह। आप क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर, किन का माहौल नजर आता है? देखो जी चुनाव के उसमें हाँ। हारी जनता का तो जितने हैं ना हाँ। 2,000 सबके खातों में आए, किसानों के, किसानों के, किसान है मजदूर है सबके, सबके आ रहे हैं हाँ। और अच्छा। और खाने के लिए मान लो हर महीना 2 टाइम राशन दे रही है। अच्छा तो हारी जनता तो इस वजह से सब खुशी है। तो सब खुश है हाँ, सब खुश है। तो पहले की सरकार में भी सुविधाएं तो मिलती होगी ना आपको? इतनी सुविधा ना थी पहले, नहीं थी पहले, नहीं थी, अब की सरकार में है। अब की सरकार में तो योगी जी को कहते हैं बाबा जी तो बड़े बुलडोजर भी चला रहे हैं, कुछ लोग नाराज दिखाई देते हैं। तो बिल्डोरे चला रहे हैं, बिल्डोरे चल रहा है, जो खराब आदमी है उन पे तो बिल्डोरे चला गई। अच्छा जो अच्छे आदमी है उन पे क्यों चलेगा? ऐसे मान लो सिलेंडर में ही लाइन में लग के लाने पड़ते थे, लेकिन हाँ आज घर घर सुविधा है, सब कुछ ऑनलाइन फोन करो और आ जाएगा, बुक करा ला लो, कुछ भी करा लो। तो पहले सस्ता भी था भाई साहब, 400 का था, अब 800 से 1200 के बीच का। अब तो FD के पैसे बाकी जो बच रहे हैं खाते में ही आ रहे हैं, वो किसी के और के खाते में थोड़े जा रहे हैं, अपने ही खाते में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी आएगी बीजेपी आएगी हाँ। क्या नाम हो गया आपका? भोले राणा। थोड़ा सा आगे आ जाइए, युवा हैं, कहते हैं युवाओं को रोजगार खत्म हो गया है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, करने वाले की कमी है, हर जगह रोजगार है, छोटे बड़ा कुछ भी खोकर रख लो, यहाँ परचूने का काम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, करने वाले की कमी है बस, करने वाले की कमी मान रहे हैं हाँ। वो कहते हैं नौकरियों को वादा करती है, पढ़े लिखे युवा फिर क्या करेंगे जब नौकरियां नहीं मिल रही है? पढ़े लिखे युवा क्या करेंगे, अगर पढ़ाई में मन लगाएंगे, अच्छी नौकरी ढूंढेंगे, तलाश करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगी? इतनी योजनाएं निकल रही है, रेलवे भर्ती सब कुछ हर जगह है, बताओ। अच्छा प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे हाँ। राहुल जी में क्या कमी नजर आ रही है? नहीं सारी कमी नजर आ रही है, लेकिन हमें तो ये वाली सरकार अच्छी लगती है। अरे भाई साहब युवा हैं वो भी, राहुल जी की मैं बात करूँ भारत जोड़ो यात्रा की, लोगों में घूमे हैं, पूरे देश में फिरे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग उसे वोट करेंगे? वो तो बात सही है, देखो उन्होंने पहले क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन आज की डेट जो चल रही है यहाँ पे लड़की पहले नहीं निकल सकती थी 10 बजे के बाद में, आज 12 बजे के बाद में भी लड़की कहीं भी टहलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। पहले की सरकार की बात कर रहे हैं हाँ। और आप सही हैं? आप सही हैं, मजे हैं? मजे हैं, मौज में। अच्छा ये बड़े खुश नजर आ रहे हैं, आपका क्या नाम हो गया? हाँ हाँ बोलिए। हमारे गांव घनसूरपुर के सचिव प्रधान जी हैं हाँ। हंसी खुशी से रहते हैं सतीश महेश दोनों के दोनों। मायावती ने आज तक कुछ दिया हुआ, मैं जाटव राज का बेटा हूँ, कुछ दिया हो? मेरा सुशील भैया केंद्र में रहता है, जगह केंद्र में ही है, सबसे बात करता हो, कुछ दिया हो तो बताओ। अखिलेश ने कुछ दिया हो? मोदी जमीन के लिए पैसा भी दे रहा है, बच्चों को खाने को राशन भी दे रहा है ना, ना सारी सोल्टी कर रहा, तो ऐसा प्रधानमंत्री तो उससे बढ़िया कौन बन जाएगा जिंदगी में? बता लो महेश मेरा भैया जहाँ जो कार्य लग रहा पलंग है, विधायक वो भी मेरा महेंद्र जो हो ना, महेंद्र है वो भी मेरे भैया, तो बताओ नेता तो ऐसा ही होना चाहिए। मायावती ने जाटवों को कुछ दिया हो तो मैं गाली नहीं देता हूँ, खुल के कहता हूँ ना,